दोस्तों आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप है जिसमें ब्लूटूथ है, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ब्लूटूथ का यूज करके कैसे आप किसी भी कंप्यूटर को अपने स्पीकर या होम थिएटर से कनेक्ट कर सकते हैं या फिर पेयर कर सकते हैं। और जब आप अपने कंप्यूटर लैपटॉप में कोई भी ऑडियो या वीडियो प्ले करेंगे तो आपके स्पीकर या होम थिएटर से आवाज सुनाई देगी। तो सीखने के लिए इस वीडियो में साथ लास्ट तक बने रहे हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मेरा होम थिएटर है, तो आपके पास जो भी स्पीकर या होम थिएटर है उसे आपको ऑन करना है। तो यहाँ पे मैं अपने होम थिएटर का पावर बटन प्रेस कर देता हूँ। इसके बाद आपके स्पीकर या होम थिएटर में ब्लूटूथ का जो फीचर है उसे आपको ऑन कर देना है। तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करके इसे मैं कर देता हूँ ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पे। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों कंप्यूटर में भी सबसे पहले ब्लूटूथ ऑन करना है। जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे नीचे में ब्लूटूथ का सिंबल दिखा देगा। ये देखिए मेरे कंप्यूटर में पहले से ऑन है। अगर आपके कंप्यूटर में ऑन नहीं है तो ऑन करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है ब्लूटूथ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे टॉप में ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइस सेटिंग पे क्लिक करना है। ये दिया हुआ है ऑन ऑफ का बटन, इस पर क्लिक करके आप इसे ऑफ कर सकते हैं और इसी पे क्लिक करके इसे ऑन कर सकते हैं। तो आपके कंप्यूटर में ऑफ है तो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस पे क्लिक करना है। यहाँ पर ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। आप अपने स्पीकर या होम थिएटर का जब ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो यहाँ पे उसका नाम दिखा देगा। मेरा जो होम थिएटर है LG कंपनी का है और इसका ये मॉडल नंबर है। आपको इस पे क्लिक करना है। आपका स्पीकर या होम थिएटर आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्टेड म्यूजिक और यहाँ पे टॉप में दिया हुआ है योर डिवाइस इज रेडी टू गो। अगर आपको डिस्कनेक्ट करना हो तो यहाँ से भी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ब्लूटूथ को ऑफ कर सकते हैं। लास्ट में आपको डन वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब मैं अपने कंप्यूटर में कोई एक सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ मेरे होम थिएटर से आवाज आती है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे सॉन्ग पे डबल क्लिक कर दिया। आपने देखा दोस्तों मैंने यहाँ पे एक ऑडियो प्ले किया तो मेरे होम थिएटर से आवाज आ रही है। तो चलिए अब हम इसी गाने पे थोड़ा सा डांस कर लेते हैं।